नमस्कार, जेजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सोनिया। आज हमारे साथ है करण बेनीवाल जी, जो कि लोगों के लिए एक स्कीम लेके आए हैं या योजना है ये क्या है उनसे जानते हैं। करण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने हमारे को इसमें आपके स्टूडियो में बुलाया और एक आम आदमी की बात सुनने के लिए जो हम आपसे अभी करेंगे। और दूसरी बात मेरी आपसे ये रहेगी कि ये कोई स्कीम नहीं है जी। क्योंकि स्कीम में पैसे लिए जाते हैं और दिए जाते हैं, हम ना किसी से पैसे ले रहे और ना किसी को पैसे दे रहे जी। हमने एक कर्जा निपटारा कार्यालय बनाया है जी। जो नाथूसरी चोपटा में हमारा ऑफिस है और उस कार्यालय में हमारा मकसद है जो आज के समय में कर्जे के कारण लोगों का जीना मुश्किल हुआ हुआ है और हर रोज कोई ना कोई खबर अपने को मिल जाती है भी आज वहां पे कोई कर्जे में डूबे व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसको मौत को गले ना लगाने के लिए हमने एक मिशन है हमारा, कर्जा निपटारा मिशन कह सकते हो, एक आंदोलन कह सकते हो, एक आम आदमी की आवाज कह सकते हो, जिसको हम आगे हरियाणा सरकार तक ले जाने का काम करेंगे। और ये दोबारा आपको बता दूं, ये स्कीम नहीं है, ये एक कर्जा निपटारा लोगों को आत्महत्या से बचाने का हमारा एक प्रयास है। अगर हम बात करें कि आपकी तरफ से ये स्कीम चलाई गई है, ऐसी एक स्कीम सरकार ने भी चलाई थी, ये योजना सरकार की तरफ से भी चलाई गई थी, अब तक आपके देखने में कितना है कि कितनों के निपटारे किए गए हैं? हरियाणा सरकार ने कर्जा निपटारा बोर्ड बनाया था 2009 के अंदर। उस कर्जा निपटारा बोर्ड में हरियाणा सरकार ने कितनों के कर्जे निपटाए, कितनों के नहीं निपटाए, वो तो एक सवाल है। बायोडाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार ने 2009 के अंदर एक कर्जा निपटारा बोर्ड बनाया था, उसमें जहां तक हमारी उम्मीद है उसमें कर्जे निपटारे हुए थे, लेकिन हुए वो अपने चहेतों के थे। उसके बाद हरियाणा सरकार ने ये कर्जा निपटारा बोर्ड बंद कर दिया था। उसी कर्जा निपटारा बोर्ड को दोबारा चालू करवाने के लिए हमने 1 लाख मिशन 1 लाख, ये हमारा कर्जा माफी का फार्म है, ये 1 लाख फार्म हमारे को भरने हैं, पूरे हरियाणा से 1 लाख फार्म हम भरेंगे और उसके बाद ये 1 लाख फार्म हम हरियाणा सरकार को पेश करेंगे कि आपने कर्जा माफी के लिए कर्जा निपटारा बोर्ड बनाया था उसको पुनः चलाएं। और ये हमारे फार्म, इनमें कर्जा माफी का हमारे पास 1 लाख आदमियों का डाटा है, इनका कर्जा माफ आप सरकार करें जी। तो सर, बात करें इस आपके फार्म की, तो अब तक कितने फार्म आपके भरे जा चुके हैं? ये कर्जा निपटारा दफ्तर का उद्घाटन मैडम हमने किया था 2 तारीख को, इसी 2 तारीख को, आज से 4 दिन पहले। तो पहले दिन हमारे पास 400 फार्म ऑफिस में आए थे, उसके बाद 5 तारीख को हमने एक कर्जा निपटारा यात्रा शुरू करी है, जो कर्जा निपटारा यात्रा गांव गांव घर घर जाकर इस मुहिम को बताएगी, आम जन को बताएगी भी कर्जा निपटारा कोई बोर्ड था जो हरियाणा सरकार ने बनाया था उसको बंद कर दिया है, उसको शुरू करवाने के लिए आप ये हमारे फार्म भरे। उसके बाद हम हरियाणा सरकार से मिलेंगे और लोगों का कर्जा निपटारा करवाने का हरियाणा सरकार से काम करवाएंगे। तो हम बात करें हरियाणा सरकार की, तो सरकार की तरफ से अगर पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, क्योंकि तब तक आपके पास बहुत से लोगों के फार्म भरे जा चुके होंगे? कर्जा निपटारा मिशन का मैडम एक ही मिशन होगा, 1 लाख आदमियों को इकट्ठा करना, एक परिवार बनाना 1 लाख बंदों का, और हरियाणा के अंदर 1 लाख आदमियों की अगर जान बचाने के लिए हरियाणा सरकार नहीं जागती है तो मैं ये हरियाणा सरकार की उपलब्धि नहीं, हरियाणा सरकार का फेल मानूंगा। और हरियाणा सरकार को भी एक बात चेताना चाहूंगा कि 1 लाख आदमियों की अगर वो कीमत मौत चुनती है तो उससे बड़ा कोई हरियाणा सरकार के लिए घिनौना और गंदा काम नहीं होगा। जब एक दिल्ली सरकार मान लो, हरियाणा सरकार मान लो, नरेंद्र मोदी की सरकार ऊपर है और नीचे भी हरियाणा सरकार है, एक मूर्ति बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए सरकार लगा सकती है, बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए गीता महोत्सव के ऊपर 500,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, तो क्या एक जिंदगी बचाने के लिए हरियाणा सरकार छोटा सा कदम 1 लाख आदमियों का कर्जा माफ कर्जा निपटारा नहीं कर सकती? ये हमारा सरकार से सवाल होगा। 1 लाख मेरे परिवार के जो जनमानस होंगे, जो हमारे साथ होंगे, उनका जो अगला कदम होगा वो हरियाणा सरकार का
सोचने को मजबूर करने का कदम होगा। हमारी तो एक ही बात है, आत्महत्या ना करें, कर्जा निपटारा फार्म भरें। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, आत्महत्या ना करें, कर्जा निपटारा फार्म भरें। तो करण जी, हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेजी न्यूज़। धन्यवाद।